कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑनलाइन फ्री टीचिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके कक्षा 12वीं का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब तक हमने 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और अपने वीडियो चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसका वीडियो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, ये भी लाभहानि नियोजन खाता है पर कंडीशन 2 है। कंडीशन क्या 2 है? यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी साझेदार होते हैं वो बिना समझौते के साझेदार होते हैं। वे व्यापार तो शुरू कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, पर किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किए रहते। कितना लाभ बांटा जाएगा, कितना पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, किस दर से कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं बांटा जाता। काम शुरू कर देते हैं, बाद में विवाद हो जाते हैं और जब न्यायालय के रूप में प्रस्तुत होते हैं, अपने विवाद को लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तब न्यायालय दो ही शर्त के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। बिना समझौते के साझेदार के ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है और लाभ का बंटवारा बराबर होता है। यहाँ वेतन कमीशन की कोई अगर कंडीशन शुरू से नहीं रखी गई है तो कोई बंटवारा नहीं होता। इसलिए आपको भी बस दो ही नियम याद रखना है, पूरे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कंडीशन बहुत सारे दिए रहते हैं, सिर्फ आपको ढूंढना है कि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी के रूप में फर्म को ऋण कब दिया, फर्म का लाभ कितना है, बस बाकी सबको इग्नोर करेंगे। आगे बात समझ तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ करके देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारी कंडीशन दी गई है ए बी करके। देखिए शॉर्ट में जो है इम्पोर्टेंट मैं वो बताता हूँ। इस प्रश्न में बस यही इम्पोर्टेंट है जिसमें लिखा गया है ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 रुपए का ऋण दिया। जो मेन पॉइंट था वो ये है, फर्म का लाभ कितना उस वर्ष का 16,800 रुपए हुआ। बस वो दो चीजें लिखो, समाकलन में लिखो लाभ 16,800 रुपए, विकलन में लिखो ऋण पर ब्याज, 7,000 रुपए ऋण पर ब्याज 5,000 है। मैंने बोला 6% की दर से देना, इसलिए 6/100। अब जुलाई में दिया, दिसंबर में क्लोज होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हुआ, इस तरह से गिनना है। जब भी दिया जाएगा पैसा ऋण के रूप में, उस महीने से काउंट करके दिसंबर तक के महीने को काउंट करना है, फिर वो चाहे 3 महीने का निकले चाहे 4 महीने का। तो समझ में आया 6% का कॉन्सेप्ट, सॉरी 6 महीने का, इसलिए 6/12 लिखा। अब मैं काटूंगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये भी कट गया, 2 3 6, अब 3 5 15 मतलब 150 रुपए निकल गया ऋण पर ब्याज हो गया। अब बस लाभ में से इस हिस्से को काट देना है, जो बचेगा उसको इनको बराबर बांटना है। तो 16,800 में 150 रुपए कटेगा तो 16,650 रुपए बचेगा, 16,650 का आधा हम करेंगे तो आएगा 8,325। ये दोनों को बराबर लिख देंगे और ऊपर में लिखेंगे लाभ का बंटवारा साझेदारों के पूंजी में। इस तरह से लिखना है कि लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। समझ आ गया, 16,800 से दोनों में क्लोज करेंगे, खातों का कंप्लीट। सेम प्रश्न अब 9 है, उसमें भी बहुत सारी कंडीशन दी गई है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि बिना समझौते के साझेदार है तब हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है फर्म का लाभ कितना हुआ है। तो 43,000 का फर्म का लाभ है, हमने लिख दिया फर्म में 43,000 का लाभ हुआ है। और ऋण कब दिया गया है, 1 अक्टूबर 2006 को 20,000 रुपए ऋण के रूप में दिया गया, ठीक है, कब दिया गया, 1 अक्टूबर को दिया गया। तो देखिए हमने लिखा अमाउंट 20,000 का, 6% की दर मतलब 6/100, और सिर्फ अक्टूबर में दिया गया, पर क्लोजिंग होता है मार्च में क्योंकि 1 अप्रैल इसका शुरुआती डेट है जो फर्स्ट में दिया है। तो आप गिनेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर से 6 महीने हुए, इसलिए 6/12, ठीक। तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक कैलेंडर वर्ष जिसमें 1 जनवरी शुरुआत दिसंबर में समाप्त, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरुआत 31 मार्च को समाप्त। तो वित्तीय वर्ष वाले प्रश्न में आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे और सामान्य वर्ष में दिसंबर तक काउंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए ताकि आप भूले ना, ठीक। इस तरह से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 2 जीरो का 2 जीरो मतलब 600 रुपए। 43,000 में 600 घटाएंगे, 42,400 बटेगा, बराबर बांटेंगे तो 21,200 बढ़ गया। 43,000 से दोनों पक्ष में बैलेंस कर दिया, खाता हुआ कंप्लीट। आई होप आपसे अब साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। बस दो ही चीजों को पढ़ो, बाकी चीज से कोई मतलब नहीं। ऋण कब दिया गया, किसने दिया, उस वर्ष का लाभ कितना है, बाकी वेतन कमीशन वगैरह किसी से कोई मतलब नहीं। इज दैट क्लियर?
समझ आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। और डोंट फॉरगेट मैं 10वीं 11वीं 12वीं और फ्री कॉम बी कॉम फर्स्ट ईयर सबके अकाउंट मैथ्स के वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अपडेट रहना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली के नोटिफिकेशन में आने वाले वीडियो को देखिए। अगर वो छोटे क्लास का है तो अपने छोटे भाई बहनों को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।